shining bright like a shadow shine, dreaming high like the stars, dancing through with the flies. And everything beats such a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बड़ी। कल रात हम बहुत लेट निकले, फिर यहाँ पे भी लेट पहुँचे। हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए और पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, और अभी हम रुके हैं BRG बजट स्टे पे, जो कि बहुत ही अच्छा स्टे है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो रूम टूर है वो आपको मैं देता हूँ, पूरी की पूरी रूम टूर, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है उन सब की जानकारी देता हूँ। और बाद में मैं आपको इसका जो एरियल व्यू है ना, बाहर का व्यू, वो भी बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टे है, उन सब की मैं आपको जानकारी और सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लाइट ऑन करते हैं। ये है एक सिंगल बेड, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको डबल बेड मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक कबर्ड भी मिलता है जिसमें आपको एक लॉकर भी मिलता है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाती है कोई भी बैग रखने के लिए। यहाँ पे आपको डेस्क मिलता है, टीवी मिलता है, और यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ा आईना मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको एक AC मिलता है जो कि फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। बाथरूम की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लीन बाथरूम मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा बाथरूम है। एंड अभी बात करें मेरे फेवरेट पार्ट की, तो वो है बालकनी, द व्यू पॉइंट। सो फ्रेंड्स, शावर लेके एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना है एंड देन हमें निकलना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। अभी 8 बज चुके हैं, हमारी 8 से 10 बजे की टिकट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकलते हैं। हमें फर्स्ट लुक मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू का, पीछे से मिला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन 3, 2, 1, देखा कितना जायंट है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने का। मैं यार वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ मेरी फीलिंग पहली बार देख के। देखो पहाड़ भी कितने छोटे लग रहे हैं इस स्टैचू के सामने। चलिए तो देर किस बात की, वहाँ पर चलते हैं यार, बहुत मज़ा आ जाएगा यार। और यहाँ पे पूरा पानी है नदी का, बहुत जायंट है यार स्टैचू। पीछे की साइड आपको देखने के लिए जगह मिलती है, आगे की साइड जगह मिलती है, वहाँ तक ऊपर तक जाना है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. Lately I get lost thinking about you. एंट्री हमने ले ली है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, वहाँ पे स्टैच्यू है, अभी हम जा रहे हैं वॉक करके।
135 मीटर ऊंची व्यूइंग गैलरी देखने के लिए आपको 380 रुपीज़ पर हेड वाली टिकट को परचेस करना पड़ेगा, जो कि आपको saucrets.in पर लॉगिन करके मिल जाएगी। अगर आप 380 रुपीज़ वाली टिकट परचेस करते हो तो इसमें आपको कैंपस की एंट्री मिलेगी, म्यूजियम में एंट्री मिलेगी एंड आपको व्यूइंग गैलरी भी देखने को मिलेगी। जबकि आप परचेस करते हो 150 रुपीज़ वाली टिकट तो उसमें सिर्फ आपको कैंपस की एंट्री एंड म्यूजियम में एंट्री मिलेगी। और इन दोनों ही टिकट में आपको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर लाइट शो होता है उन दोनों की टिकट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। आपको जस्ट यहाँ पे टिक मार्क देना होगा टिकट के बुक करते टाइम पे। और आप ये भी याद रखना कि आपको ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकट है वो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही होती है, वहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग नहीं होता है। तो अगर आप प्लान बना रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का तो पहले बुकिंग करें ऑनलाइन, बाद ही में प्लान बनाएं। और ये भी याद रखना कि मंडे को ये क्लोज रहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो चलिए, हमारे पास तो सब कुछ टिकट है तो मैं आपको ऊपर तक ले चलता हूँ। Used to be alone, but now instead I need you by my side. Can't go. ये जो फेस है वो छोटा फेस है और उससे भी पांच गुना ज़्यादा है, यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो मेन फेस है वो है सत्तर फीट का। और यहाँ पर भी जो हमारे इंडियन इंजीनियर की कमाल ही देखने को मिलेगी कि अभी आप ये फेस देख रहे हो तो आपको उनकी आंखों में कुछ डिजाइन बनी हुई है, कुछ खड्डे जैसा बनेगा, लेकिन आप जैसे ही फोटो क्लिक करोगे अपने मोबाइल में या कैमरे में तो उनकी आंखों में जो लेंस लगे हुए हैं, यानी कि रियल आंखें कैसे होती है, इस तरह से फोटोग्राफ आते हैं। अच्छा, तो आप फोटो खींचने के बाद भी देख सकते हो। और ये सेम टू सेम ऊपर जो बना है वो भी इस तरह से सेम ही बना हुआ है, क्योंकि इतनी हाइट पर हम करीब से देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर वो बना के रखा गया है। फोटो क्लिक करेंगे तो अभी One single night, dreaming about you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here giving me some. ये जो आँखा था ना वो बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है यार। फोटो मैंने कैप्चर की बहुत ही अच्छी आ रही है और ये भी बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्टेच्यू है ना अपना उसके नीचे खड़े हैं। अभी यहाँ से लिफ्ट से जाना है हमें ऊपर, छाती है ना तब तक जाना है, वहाँ पर लिफ्ट ले जाएगी और एकदम नीचे है स्टैच्यू के नीचे। म्यूजियम में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस मटेरियल से बना है, कितना टाइम लगा है, कितना फाउंडेशन इसमें यूज़ किया गया है, सदाशिव डे में वो किस तरीके से बना है, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे इन डिटेल में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे इक्विपमेंट भी थोड़े बहुत रखे हैं जो कि इसे बनाने के लिए यूज़ किए हैं, जैसे कि हथौड़ा हो गया, वो सब कुछ यहाँ पे रखा है। सब जगह पर सैनिटाइजेशन और टिकट चेकिंग हो रहा था। अभी हम जाने वाले हैं 135 मीटर ऊंचे व्यूइंग गैलरी देखने के लिए, जो कि हमें जाना पड़ेगा लिफ्ट से। ये जो लिफ्ट है वो हाई स्पीड वाली लिफ्ट है, क्योंकि ये लिफ्ट 38 सेकंड में आपको 135 मीटर ऊंचे व्यूइंग गैलरी तक पहुंचा देगी। जब तक आप सोचेंगे कि व्यूइंग गैलरी जाके हम कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे या फिर कैसा दिखेगा केवड़िया कॉलोनी, तब तक तो आप पहुंच जाएंगे ऊपर। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट लिफ्ट है इंडिया के। हो चुके हैं ऊपर व्यूइंग गैलरी पे 135 मीटर पे। बहुत तेज़ी से पहुंचा दिया ऊपर लिफ्ट ने, बहुत ही स्पीड में चलती है और एकदम झटका सा लगता है इतनी स्पीड में चलती है। यह आप व्यूइंग गैलरी, यहाँ से हम देखने वाले हैं बाहर डायरेक्ट। सो आ गए व्यूइंग गैलरी पे, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है आपको आउटडोर का व्यू, वहाँ पे लिखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं आपको दिखाता हूँ। Giving me something I can hold on to, baby please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to shut all the world out just you and me. ये जो पार्ट है ना वो पूरा अंदर का पार्ट है जो मेटल से बना है। एंड अभी हम जा रहे हैं नीचे, ये पूरा जो व्यूइंग गैलरी है वो हमने देख लिया है। अभी दूसरी भी एक्टिविटी बाकी है, वो सब कुछ करनी है। टाइम की कमी की वजह से थोड़ी देर यहाँ पर रुक नहीं सकते, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हमें रिवर राफ्टिंग करना है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क देखना है, बहुत सारी एक्टिविटी बाकी है, वो सब करनी है। ये टो देखो, टो कितना बड़ा है, इससे आप अंदर लगा लो कितना बड़ा होगा ये पूरा लेग है
दोनों, और वहाँ पे ऊपर चेस्ट है, फिर फेस है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ से तो व्यू नहीं आ रहा ठीक तरीके से। ये पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते टाइम मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। आप जस्ट ये वीडियो देखिए, दे केयर फॉर ईच एंड एवरी लिटिल थिंग्स। थैंक यू सो मच हीरोज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आपको कैंटीन भी मिलती है, तो अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे आके खाना भी खा सकते हो। एंड अब हम वापस आएंगे शाम को 6:30 बजे लेजर लाइट शो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ सीन ऐसा है कि हमने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क देख लिया था, फिर हमें जाना था 1 से 2 बजे के बीच में कैक्टस गार्डन एंड फ्लावर वैली, बट वो अभी हमने स्किप किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो अभी हम लोग वापस आ गए अपने स्टे में लंच करने के लिए। और बात करूँ स्टे की, तो ये है BRG बजट स्टे। अगर आप आते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए और आप एकदम ढूंढ रहे हो बहुत ही बढ़िया स्टे, तो ये आपके बजट में बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है ना, वो बहुत ही बढ़िया मिलती है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। आपको बहुत ही बजट में बहुत ही अच्छा सा स्टे आपको इसमें मिल जाएगा। और हमें 3 बजे जाना है रिवर राफ्टिंग के लिए, उसके लिए यहाँ पे गाड़ी आएगी उसकी हमें पिकअप करने के लिए। देन हम लोग जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए, वापस में आके फिर से जाना है जंगल सफारी के लिए, एंड देन हमें लाइट शो देखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। तो ऐसा कुछ प्लान है, देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। आपको ये प्लान एक वीडियो में मिलता है या फिर 2 वीडियो में मिलता है, वो सब कुछ देखते हैं। तो चलिए अभी मैं लंच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अभी लंच कर लिया है और अभी मैंने डिसाइड किया है कि इसकी सीरीज बनेगी। एक वीडियो में सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी फील आई है कि आपने घर पर बैठे बैठे पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपको मिलता हूँ मैं ऐसे किसी और नए वीडियोज़ में, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकॉन। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। और याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। Get back, forward.